अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हो समर? बैठो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो गई सुबह, चढ़ गया दिन। लो भाई, हम बात कर रहे हैं तो उठती चली जा रही हैं। भाई जाने दीजिए उसे, नाश्ता करने जाने उसे। जाओ बेटा, नाश्ता बनाओ अपना। जी। या आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है, पूछते क्यों नहीं रात को कितने बजे घर आई थी? 9 बजे आई थी मैं रात को। अच्छा, तो 9 बजे तक कहाँ रही मैडम? भाभी मेरे काम की नौयत ऐसी है, वक्त का नहीं पता चलता, शूट्स में देर हो जाती है। टीवी शूट्स में? सुन रहे हैं आप, तो कोई और ढंग का काम नहीं कर सकती तुम? उस्तानी वगैरह बन जाती, ड्रामा डायरेक्टर बनेंगी मैडम। देखो बीबी, इस घर में और भी लड़कियां रहती हैं, तुम इतनी रात रात को घर आओगी तो उन बच्चियों पे क्या असर पड़ेगा? और आप ही बताइए, शरीफ घरानों में ऐसा होता है क्या? ये घर है, कोई सराह नहीं है, जब चाहे और जब चाहे यहाँ से चले गए, ना कोई फोन ना आता पता, ना कोई मैसेज। मैंने भाई को बता दिया था। हम यहाँ तुम्हारी फिक्र में दुबले हुए चले जा रहे हैं, और यहाँ बहन भाइयों में आपस में राजो न्याज भी हो गए। ठीक है, भाभी तो जाए भाड़ में, क्या जरूरत है उनको बताने की, है ना? नाश्ता करने दो उसे, कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। मैं तो सारी जिंदगी के लिए छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो दिल चाहता है करे। लेकिन देख लो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कि अपनी बेटियां तो संभाल ली मगर नंद को छोड़ दिया आवारा गर्दी करने के लिए। ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, और मीडिया के अलावा मैं कोई और काम कर भी नहीं सकती, और ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूं। अब मैं जाके नाश्ता बना सकती हूँ अपना? जाओ करो नाश्ता, मैंने कब मना किया, जो दिल चाहता है करो। इस घर में एक मैं ही तो रह गई हूँ जो सारे काम करेगी, इनको क्या फर्क पड़ता है, खाओ अपने भाई की रोटियां तोड़ो। आ
यार नमक तो डाल देती। खुद ही डालो, इतने नखरे क्यों कर रहे हो? अच्छा किलो जल्दी करो, किलो मुंह खोलो। पर फेवरेट है। शाबाश, अगर नाश्ता नहीं करोगे तो बड़े कैसे होगे तुम? हाँ चलो ये लो खाओ। इतने प्यार से तुम्हारे मामा मुझसे बात करें ना, तो मैं तो नाश्ते की टेबल ही ना छोड़ू। ये प्यार में जबरदस्ती होती है और ऐसे छोटे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। अच्छा ये सब भी नेट पे पढ़ा होगा। अब ऐसी बातें की ना तो मैं सारे गैजेट ले लूंगी तुमसे। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो अपना। और तुमने रेड कलर की टाई पहननी है। अच्छा अगर रेड कलर नहीं पहना तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बता रही हूँ मैं। रेड नो। यू कैन से नो टू योर वाइफ, नॉट अलाउड। आज तो समर भी आ रही है। तो क्या मतलब? आज हम मिलेंगे। और ये भूल जाते हो तुम हमेशा कि समर मेरे साथ जहेज में आई है, समझ में आई है? समर के कभी कम नंबर नहीं है। सिफारिशी जो थी वो और किताबों ने आपको क्या दे दिया है? आप तो इम्तियाजी नंबरों से पास हुए थे। इससे तो अच्छा था वो परचून की दुकान लगा लेते, चार पैसे तो आते घर में। अब जाइए, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ मैं, सारा दिन काम के बहाने वो आवारागर्दी करती रहे, संडे को भी सड़कें नापे, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। देखिए मुझसे ना ये बेकायदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो तुम्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आती है कि उसकी नौकरी की नौकरी थी ऐसी? तो वो किसी और टाइप की नौकरी क्यों नहीं करती है? हमारे घर में भी बेटियां हैं, कल को फुप्पी के नक्शे कदम पे चल पड़ी ना तो कबाड़ा हो जाएगा हमारा। जिस दिन बगावत कर दी आपकी बेटियों ने, आप हाथ मलते रह जाएंगे, देखिएगा। सुषमा कहाँ है मेरा? कॉलेज को देर हो रही है। और एक बात सुनो, अगर बुरा ना मानो, मेरी बच्चियाँ अगर तुम्हारे असर में ना होती ना तो वो भी आज समर की तरह काबिल होती। शर्म आती है मुझे, कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और मेरी अपनी बच्चियों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। समर के कभी कम नंबर नहीं। सिफारिशी जो थी वो और किताबों ने आपको क्या दे दिया है? आप तो इम्तियाजी नंबरों से पास हुए थे। इससे तो अच्छा था वो परचून की दुकान लगा लेते, चार पैसे तो आते घर में। अब जाइए, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बहुत काम है मुझे घर में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सब रेडी है? सब रेडी है। आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग तैयार हैं सब? जी बस 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे। सीन पढ़ लिया आंसर? हां मैंने पढ़ा दिन लोग। ठीक है आप लोग आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। वालेकुम सलाम। आए सीआर कर लेते हैं एक दफा सेट पर। अहमद ये लाइट पैन कर दो। आप सब तैयार हैं? जी टेक करें। ऑडियो का मसला तो नहीं कोई? जी जरा लाइट बुलवाइएगा। आप दोनों तैयार हैं? मेरी एक्शन की कॉल के 2 सेकंड बाद आप लोगों ने मूव करके वहां टेबल पे जाके बैठना है। करूं टेक? जी टेक करें। बीनेश अब आप फ्रेम से हट जाएं। ओके। जल्दी आ जाओ, जल्दी इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी हाइट ले लो थोड़ी। कैमरा रोलिंग। रिकॉर्ड। एक्शन। ओके कट। आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। जी बेटा मेरी फैमिली है, इसलिए तो हर पिक्चर में। क्या मामू नानी हमारी फैमिली नहीं है?
सवाल का जवाब आपको गूगल पे मिलेगा। क्यों? बेटा जरा मुश्किल सवाल है ना, ये बात इसके सामने करने की क्या जरूरत है? बेटा कभी कभार जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो फैमिली से ज्यादा अहम होते हैं। बेटा आपकी मामा के लिए तो समर आंटी सब कुछ, वी आर नथिंग। मैं भी बताती हूँ, नथिंग ये भी तुम लोग हर वक्त लड़ते रहते हो, कब बड़े होगे तुम दोनों? हाँ यार यार सुनो, दे आर प्लस फजूल बातें कर रहा था ये। तुम्हारे मजाजी खुदा है, तमीज से बात क्या करो, इज्जत से है ना यार? सही कह रही है। खाना खाओगी या चाय पियोगी? पहले खाना खाऊंगी फिर चाय पीऊंगी। वाह भाई चलो बनाता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो, क्या हुआ, इतनी डाउन क्यों? कुछ नहीं, बता तो दो यार। भाभी ने कहा है कुछ? यही कि क्या कहा है समर, बताओ मुझे, मैं उनकी जान ले लूंगी इस बार। अरे यार रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं है, सब ठीक है, मैं बोल रही हूँ सब ठीक है बस। समर तुम सुनती क्यों उनकी बात? तो मेरी जगह आती ना तो मैं पूछती थी उससे। चाय लेकर आ रही हूँ खाने। अब हम कब चलेंगे? हाँ बेटा चलेंगे, जरूर चलेंगे, जरा वो तुम्हारी समर पप्पू को आने दो, वो कभी हमारे साथ नहीं जाती। अगर उनको देर हो गई आने में? अब्बा आज चीख कबाब खाएंगे हम। जरूर खाएंगे बेटा, लेकिन तुम्हारी पप्पू के आने के बाद। अरे भाई मैं तो सारे काम निपटा के आ गई, आप लोग अभी तक बैठे हैं, चले ना। वो अब्बू ना पप्पू का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए बुरा मत मानिएगा भाई, वो तो सब कुछ खा पी कर आराम कर रही होंगी महारानी। मेरे बच्चे पूरा महीना तरस जाते कि एक बार घर से बाहर निकल के खाना खा ले, अब आप समर के लिए ना तरसा रहे। अच्छा बस बस चलो, नहीं करते उसका। हाँ बस चले, चलो 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 बेटा आ जाओ, थोड़ी जाओ जल्दी से वो चाबियां उठाओ घर की, और तुम चलो बाहर, चलो दरवाजा खोलो। हैं चलिए आ जाइए, देर हो रही है। चलो चलो। तुम्हें दुनिया की बातों की कब से परवाह होने लगी? मुझे भाई की परवाह है, उनका सर झुकावा नहीं देख सकती। काश उमैर का एक छोटा भाई होता, मैं फौरन तुम्हारी शादी करवा देती उससे। फिलहाल तो प्लीज आप मुझे घर छुड़वा दें, शादी के अलावा कोई हाल नजर नहीं आता। जैसे मारिया तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, रात के 9 बज रहे हैं। सोते हुए बंदे को तो अल्लाह ही उठाता है बस। यार हर वक्त मजाक नहीं क्या करूं, तुम्हें पता है ना घर जाऊंगी भाभी बातें सुनाएंगी मुझे। वो ऐसी चीज ही नहीं है कि जिसकी परवाह की जाए। तुमने और भैया ने पता नहीं क्यों उन्हें सर पे चढ़ाया हुआ, तुम असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बन गई हो और उनके सामने तुम्हारी जबान नहीं खुलती, हद करती हो यार। हेलो हेलो, हाँ शगुफ्ता बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं? हाँ भाई मैंने फोन कर लिया तो तुम्हें ख्याल आ गया कि कैसी हैं भाभी, वरना तुम तो इतनी बेमुरव्वत हो अपनी माँ को नहीं पूछती। हैं अस्पताल लेकर आई हैं पता है तुम्हें कुछ? वो मेरी माँ नहीं है। मगर मेरी तो पप्पीजात बहन है ना। तभी ऐसी हैं। खैर जल्दी बताइए क्या काम था। तौबा है, चलो जल्दी से फोन दो समर को, उसके भाई परेशान हो रहे बात करनी है। समर? समर तो यहाँ नहीं है।
वैसे भी मेरे घर में उसका क्या काम है? झूठ बोल रहे हो ना तुम मुझसे? वैसे भाभी, कौन सी किताब में लिखा है कि मेरा आपसे सच बोलना लाजमी है? मेरे पास है, छोड़ देती हूँ थोड़ी देर में। उफ अल्लाह, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है कि बड़ों से बात किस तरह करनी है, मजाक करना है या नहीं करना। तुम कल की बच्ची, समर को भी पता नहीं क्या घोल के पिला दिया, तुम्हारी जैसी हरकतें करती हैं वो भी। क्या हो गया आपको? मजाक करी थी मैं। अभी आ जाएगी वो, अल्लाह हाफिज़। हाँ भेजो, खुदा हाफिज़। ढंग ढंग तो देख लो, इनके भी वही हैं जो समर के, पता नहीं क्या खा के पैदा हुए। मारिया यार, तुमने मुझे फंसवा दिया। क्या हो गया? क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? तुम्हारी छोटी अम्मी और भाभी मिलकर प्लानिंग करेंगी साथ में। पता है, मैं तो कहती हूँ तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ शिफ्ट हो जाओ। उमैर को भी कोई इशू नहीं है, तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझता है वो। और दुनिया जो बातें बनाएगी वो? तुम्हें दुनिया की बातों की कब से परवाह होने लगी? मुझे भाई की परवाह है, मैं उनका सर झुकावा नहीं देख सकती। काश उमैर का एक छोटा भाई होता, मैं फौरन तुम्हारी शादी करवा देती उससे। फिलहाल तो प्लीज आप मुझे घर छुड़वा दें, शादी के अलावा कोई हल नजर नहीं आता किसी को। उमैर छोड़ कर आएगा तुम्हें। क्या जाना है? इनकी भाभी की कॉल आई है, इसलिए फौरन जाना है। अच्छा चलो, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा, अंडे लेकर आने, ब्रेड भी, और इसको अंदर तक छोड़ कर आना है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे लिए हो। कौन था? आपकी बहन महारानी आ गई, जानते हैं किसके साथ आई हैं? बता दो। मारिया के मियां उमैर के साथ आई थी, आप पूछते क्यों नहीं है? मैं क्या पूछूं? अरे पूछिए ना कि उसके साथ क्यों आई थी। जाहिर है, गाड़ी तो उमैर ही चलाएगा, हक करती हो तुम भी यार। बात सुनिए, मुझे ना सिर्फ समर की फिक्र है, इसलिए इतना बोलती हूँ मैं। पता नहीं ये दोस्ती कभी दुश्मनी में बदल गई तो क्या करेंगे आप? आप सोचते क्यों नहीं है इस बारे में? करामत को बुला कर ना दो बोल निकाह के पढ़वा कर रवाना कर दीजिए, ऐसा ना हो मारिया की तरह ये जा वो जा। देखो, मारिया ने अपनी पसंद की शादी की थी, भागी नहीं थी वो किसी के साथ, जो उसकी सौतेली मैंने कहा सबने मान लिया। और ये करामत जो है ना, इंतहाई उबाश आदमी है, मैं हरगिज नहीं करूंगा समर की शादी उसके साथ। ठीक है फिर, तो फिर ढूंढते रहिए कोई शहजादा उनके लिए, नहीं मिलेगा। थैंक यू। किस बात का? मेरी समर का बिल्कुल ऐसे ख्याल रखने के लिए जैसे कि मैं रखती हूँ। अरे यार, व्हाट्स द बिग डील, वो है ही इतनी अच्छी। अच्छा, मुझसे भी ज्यादा अच्छी? तुम्हारा उसका क्या कंपैरिजन, तुम एक बदतमीज खरदमाग और वो एक साबिर शाकिर। इतनी जिद्दी है ना वो, आपने उसकी जिद नहीं देखी, कभी खुद भी कुछ बात ठान लेना तो अपने भी नहीं सुनती। यार खैर, उसके साथ वहां पे कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा। आदि आई थी दरवाजे पे, सलाम तक नहीं किया उसने। जब दूसरी अम्मी आई थी तो मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ था, उस वक्त समर के अब्बा थे। मैं चली जाती थी समर के घर हफ्तों के लिए, वापस ही नहीं आती थी, तो मेरे अब्बा को कोई परवाह नहीं होती थी। उस वक्त अगर अंकल, समर और भैया ना होते ना, कब की मर चुकी होती। तो मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? हूं ना। ऐसी बातें क्यों सोचती हो? इसलिए क्योंकि मैं समर के लिए कुछ कर नहीं पा रही। जानती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में है, उन जहरीली नजरों का सामना मैं भी अपनी जिंदगी में कर चुकी हूँ। तो फिर क्या करें,
मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और हम उसकी शादी करवा दें। अल्लाह जी प्लीज एक अच्छा सा प्यारा सा दूल्हा भेज दे मेरी समर के लिए, उसकी अच्छी सी जगह पे शादी हो जाए प्लीज अल्लाह मियाँ। मैं इतनी आजी से दुआ करी हूँ ना कि प्लीज कबूल कर ले। आमीन आमीन। पता है मैं अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं होता ना तो तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। अच्छा बताती हूँ मैं। वायलेंस इज नॉट द आंसर। बस समर के लिए ऐसे ही सा कोई ढूंढ दो। तुम वहां पर मेरी बहन का रिश्ता क्यों नहीं चलाती? अरे तो क्या समर को नहीं बयाना? आए हाय इतनी फिक्र मत करो समर की, बयाना है बयाना है। मैंने उन्हें अपनी प्रोडक्शन से बहुत पैसे कमा के दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जयान खान के नाम पर सारे चैनल्स के दरवाजे खुले हैं। मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें मेरी डिमांड्स पूरी करनी होंगी। ये बात तुम साफ साफ उनको बोल दो। क्या मतलब? सर अहमद बेग की डेट्स का इशू है, उन्होंने किसी प्रोडक्शन हाउस में अपनी डेट्स दे दी है, तो अगर इस तरह रहा तो हम अपना अगला स्पेल शूट नहीं कर सकेंगे। होगा इतनी इतनी सी बातों के लिए मुझे टेंशन मत दिया करो। उसको बताओ वो जियान खान के साथ काम कर रहे हैं, जियान खान के साथ। 2 मिनट में उसको इतना गंदा कर दूंगा कि कहीं काम नहीं कर सकेगा वो। अब फोन करो या नोटिस भेजो, मुझे नहीं पता। सर वो हमारी प्ले की हीरोइन साइमा, उनकी डेट्स का भी इशू है, आप कहें तो उनको भी नोटिस भिजवा दो। नहीं 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 वो उसको नोटिस नहीं भिजवाना, मैं कर लूंगा बात, वो आ जाएगी। अरे भाई छोड़ दीजिए, चलो यार सीन निकालो। कैसे हो? ठीक सर। समर कहाँ है? सर पहुँचती होंगी। तुम लोगों के काम पर चैनल को कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। ओके खैर समर आ जाए तो फिर डिस्कस करते हैं। जब ये लड़कियाँ डायरेक्टर होती हैं ना तो बहुत परेशान करती हैं। सर खून पी लेती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं सर। काम कैसा है इसका? है तो नहीं सर बहुत अच्छा, हालांकि जूनियर है लेकिन काम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीजर्स तैयार हैं? हाँ। मुझे दिखा दो प्लीज। आए चलें। बॉस आपका पूछ रहे थे। फोन का फेवरेट काम है, तो उनके साथ काम करके बदनामी बहुत होती है। लेकिन कुछ भी है, हैं बहुत अच्छे। जो भी हो मेरा सीरियल हिट हो जाए बस, इनके साथ काम करना छोड़ दूंगी मैं। अरे भाई यतीम बच्ची है और खुदा का खौफ भी है, जल्दी अपने घर की हो जाए तो अच्छा है। अरे बशारत साहब है ना जिनके कोने में एक कोठी है। आए हाय वो तो इतने बुढ़े से हैं, क्या हो गया तुम्हें? अरे वो नहीं उनका बेटा, और बशारत साहब की बीवी का कहना है कि लड़की देखी भाली और शरीफ हो, और समर को तो सब जानते ही हैं। भाई देखो तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, अब उनके अम्मा अब्बा तो मर गए और कुछ छोड़ के भी नहीं मरे कि हम लोग जहेज तैयार करते, तो समर के लिए ना तुम कोई आम सा ही लड़का देख लो। हाँ ये तो है। तो फिर बस समर के लिए ऐसे ही सा कोई ढूंढ दो। तुम वहां पर मेरी बहन का रिश्ता क्यों नहीं चलाती? अरे तो क्या समर को नहीं बयाना? आए हाय इतनी फिक्र मत करो समर की, बयाना है बयाना है। लेकिन देखो ना मेरी बहन को तो तुम जानते हो, कितनी अच्छी सीधी सादी लड़की है, हैं? बात करो ना। अच्छा मैं बात करती हूँ अभी। तो करो ना अभी अभी फोन करो ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी जी मैंने आपके बेटे के लिए एक रिश्ता देखा है। अरे तुम जा रही थी ना वहां बात करने के लिए, जाओ जाओ
और वापसी पे चाय पिलाऊंगी गरम गरम। अरे बड़े वाले मग्गे जाओ जल्दी। चलो ठीक है। हेलो अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बात कर रही हूँ, कैसी हैं? अच्छा सुने, मैंने ना सिला के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, करोड़पति हैं, हमारे पड़ोस में उनकी बहुत ही बड़ी कोठी है, यकीन करें सिला बहुत खुश रहेगी। समर? अरे दफा करें समर को, समर का क्या है, और उनके भाई को भी रहने दीजिए बस आप। पता नहीं क्या देख के आपने इन कंगलों में मेरी शादी कर दी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिला खुश रहे सारी जिंदगी, अल्लाह पाक उसे पूरी दुनिया की खुशियां नसीब करे। बस लड़का बहुत अच्छा है, आप एक काम करें जल्दी से ना सिला की कोई अच्छी सी तस्वीर ना भाई के हाथ मुझे भिजवा दें, मैं नहीं चाहती किसी भी बात से ना ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे ही तो करना है, और कौन करेगा भला उसका। हाँ चले अपना ख्याल रखिए, मैं बाद में फोन करती हूँ, अल्लाह हाफिज। इसके इंसर्ट्स नहीं मां से लगाओ। क्लोजेस दिखाना जरा मुझे इस लड़की की। हामिद क्लोजेस। हाँ एक मिनट। ये वाला अच्छा लग रहा है शॉट। और हामिद क्या बात है, परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? वो बहन को हॉस्पिटल लेके आना है, मुझसे काम नहीं हो रहा, हम कल कर लें। कल तो ये ऑनियर किस तरह करेंगे? अच्छा तो मैं काम करूं, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। ये बहुत टाइम लेगा, आप जानती हैं। जानती हूँ मैं, संभाल लूंगी, तुम परेशान नहीं हो जाओ। हाँ संभाल लूंगी। हेलो। हाँ मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कह रही हो मारिया के घर थी? मारिया से बात हुई, उसने बताया कि तुम तो उसके घर पहुंची नहीं, और कैसे यहाँ डिटाई से हमारे मुंह पे खड़े होकर झूठ बोल रही हो कि मारिया घर बैठी थी। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मैं किसके साथ थी और झूठ किस वजह से बोल रही हूँ? अभी बात हुई है मारिया से, नहीं थी तुम वहाँ पे। शगुफ्ता तुम्हार आ गई? नहीं आई, तो मारिया के घर रुक गई होगी, सो जाए, मुझे तंग नहीं करे। जमील, जमील कहाँ है आप? जमील दरवाजा खोलें, कहाँ है आप? कोई है? क्या कोई है? प्लीज दरवाजा खोलें। Thank you.
शगुफ्ता 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 अरे भाई मेरे पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट समर के पास होगा, सुबह सुबह क्यों चाहिए भाई? तो उसको फोन करो यार, बहुत जरूरी चाहिए, आज ही चाहिए। समर को फोन करके पूछे ना, वो बता देगी। फोन बंद आ रहा है उसका, तुम मारिया को फोन करो। क्या मसला है, कोई काम खुद कर सकते हैं आप? सोने नहीं देना है, नींद हराम कर दी मेरी सारी। हेलो, वो जरा समर से बात कराओ, उसके भाई को बात करनी है। भाभी समर नहीं है यहाँ पे। अब तुम मजाक मत करो ना, इस वक्त जरूरी बात करनी है भाई को तुम्हारे। दो फोन उसको। भाभी मैं कोई मजाक नहीं करी, मैं क्यों मजाक करूँ आपसे इस वक्त? बता रही हूँ मैं आपको, नहीं है वो यहाँ पे। हम रात को देर तक जाग रहे थे, होती तो बता देती मैं आपको। तुम्हारे नहीं आई मतलब? फिर कहाँ गई होगी? क्या कह रही हैं आप? समर घर नहीं आई। आप ऐसा करें, आप देखें उसे, वहीं पे होगी। मैं भी ढूंढती हूँ, देखती हूँ मैं उसे। समर, समर, कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? अरे मुझ पे क्या चिल्ला रहे हो तुम? इसी दिन के लिए मैं कहती थी कि रुखसती करो, हाथ पीले करके रवाना करो इस घर से। तुम तो सुनते ही नहीं हो मेरी बात। बंद करो अपनी बकवास। अरे सोचने दो यार, तो फोन बंद कर दिया उसने, अल्लाह रहम करे। मैं ऑफिस से मारिये के घर चली गई थी, उसके साथ थी। झूठ बोलती हो, झूठ बोलना सीख गए तुम। रुक जाइए मैं पूछती हूँ उससे। हाँ बताओ, कहाँ और किसके साथ कौन सा गुल खिलाकर आ रही हो ये बताओ तुम। हाँ जवाब दो मुझे। कह रही हो मारिया के घर थी? मारिया से बात हुई, उसने बताया कि तुम तो उसके घर पहुंची नहीं, और कैसे यहाँ डिटाई से हमारे मुंह पे खड़े होकर झूठ बोल रही हो कि मारिया घर बैठी थी। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि मैं किसके साथ थी और झूठ किस वजह से बोल रही हूँ? अभी बात हुई है मारिया से, नहीं थी तुम वहाँ पे। ये ऐसे नहीं मानेगी, मैं इसको सीधा करती हूँ। आओ मेरे साथ, चलो अंदर। मेरी बात तो सुने आप एक दफा। अरे रहने दो, क्या पता कहाँ से क्या क्या करके आई है। बात तो सुने। भाभी दरवाजा खोले, भाभी मेरी बात तो सुने एक दफा। भाभी ये लीजिए चाबी। तो पूछो तो सही, थी कहाँ वो? अब क्या पूछने से फायदा, गुजार आई है ना वो जहाज। छोड़िए मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। दरवाजा खोले। समर कहाँ है? घर आ गई है। है किधर अभी? कमरे में बंद कर दिया उसे मैंने। निकली ना तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। क्यों? क्यों? अरे मैडम कहाँ रात गुजार के आई हैं ये तो जरा पूछो जाके। एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी उसके बारे में। दोस्त नहीं बहन है वो मेरी। और आप क्यों खामोश खड़े हैं? अच्छा तुम बीच में नहीं बोल। भैया वो ऑफिस में लॉक हो गई थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो जाके ऑफिस में पूछ लें, चौकीदार से पूछ लें। तो जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब क्यों नहीं बका ये सब कुछ? क्योंकि आपके फोन के बाद बात की थी मैंने उनसे। भैया चाबी दें। इसका अपना घर मौजूद है तो क्यों दौड़ी दौड़ी जाती है तुम्हारे घर? ये सवाल आप अपने आप से पूछें।
या फिर अपनी बीवी से, दोनों ने मिलकर बेघर किया इसे। अच्छा बस बहुत हो गया, जाओ आप अपने घर। मैं तो कहीं नहीं जा रही यहाँ से, जब ये उठेगी ना तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, आप पे भरोसा नहीं है मुझे। ही? खुश रहो। मारिया ने जो भी कहा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, वो तो जो देख रही है वो ही बोलेगी ना, और मैं नौकरी किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। सीरियल मुझे पूरे 10 लाख रुपए देगा जिससे हम जमीन का कर्ज अदा कर सकते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा मसला नहीं है, उसके लिए परेशान ना। अब भाभी इसी परेशानी में चले गए। भाई मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी हो, कोई भी परेशानी हो, मैं माँ को तो वैसे नौकरी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक तो? मैं तो ठीक हूँ, मगर ये बुके किस लिए? ये मैंने नहीं सर, जयान ने रखा है, उन्होंने चौकीदार को भी निकाल दिया है। क्यों? ठीक किया सुबह से बहुत गुस्से में हो। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। I'm so sorry, समर। आपको उस नालायक की वजह से सारी रात ऑफिस में गुजारनी पड़ी, आपके घर वाले कितने परेशान हो गए होंगे। आपको इतनी देर ऑफिस में यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, हालात इतने खराब हैं। आप अपने घरवाल से मेरी बात कराएं, मैं उनसे भी सॉरी करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो समझ गए थे। और आप प्लीज उस चौकीदार को वापस बुलाने, उसकी गलती नहीं है, मुझे वक्त का अंदाजा होना चाहिए। प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दूंगा लेकिन धमकी नहीं सुनूंगा। लोगों ने मुझे बताया था इस बारे में। अच्छा, फिर भी? और क्या ही बात हो, अगर वो शादी रोहित से हो जाए तो उफ, कितना प्यारा आइडिया आया मुझे। तो बस ये तय हो गया भाई, जिसका हक है उसी को मिलेगा फिरोजे का सेट। हाँ भाई ये कैसे हो सकता है शगुप्ता? अम्मा ने खुद मुझसे कहा है कि फिरोजे का सेट समर की अमानत है। ठीक है, फिर आप उन्हीं को दे दिएगा। तुम नहीं हो समर। मैं नहीं हूँ या पुरानी, मगर सेट की डायरेक्टर हूँ, काम यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। कोई तो ये समझाए, कोई तो ये बतलाए, अब न जिया जाए, कुछ न किया जाए। सोना जहाँ फासले रह गए।